गुजरात के ऊना जिले में करीब 500 से अधिक दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। ये वे लोग हैं जो कथित तौर पर गौ रक्षकों के अत्याचार का शिकार हुए हैं। दलितों के इस समूह के धर्म परिवर्तन के लिए रविवार को ऊना तालुका के मोटा समाधियाला गाँव में बुद्ध धर्म का एक बड़ा आयोजन किया गया। यहाँ ऊना मामले के पीड़ित परिवार समेत करीब 500 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पीड़ित परिवार के बालू सरवैया ने समुदाय के बाकी लोगों का स्वागत किया। बालू सरवैया के बेटे रमेश सरवैया ने मीडिया को बताया कि उसके घर वालों ने गांव के 50 घरों के लोगों को और पूरे गुजरात से करीब 400 से ज्यादा दलितों के परिवार को हिंदू दलित के तौर पर किए जा रहे भेदभाव से पीड़ित होने पर बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। खास वजह यह है कि हम हिंदू धर्म का हजारों वर्ष से पालन करते हैं, लेकिन हमको हिंदू मानने में नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं और हमारे साथ छुआछूत करते हैं, भेदभाव रखते हैं, और जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उसमें साथ में बर्तन लेकर जाना पड़ता है। इसलिए हम बौद्ध धर्म स्वीकार करने का फैसला किया है। आज धम्म दीक्षा लेने का वजह यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें जो राह दिखाई थी बौद्ध धम्म दीक्षा की, और ऊना कांड का जो घटना हुई थी उसके चलते आज तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार के वशराम सरवैया ने कहा कि 1.5 साल बीत गया है, उन पर किए गए अत्याचारों को लेकर न्याय नहीं मिला और उनसे लगातार भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने आज बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। पीड़ित परिवार और बाकी दलितों ने धर्म परिवर्तन के दौरान शपथ ली है कि वे हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं करेंगे और केवल बौद्ध धर्म की मान्यताओं को मानेंगे। धर्म परिवर्तन के बाद लोगों ने कहा कि ये उनका दूसरा जन्म है। आज मोटा समरियाला गाँव ऊना कांड जो हुआ था उस जगह पे आज ऊना कांड के पीड़ित परिवार के साथ हमारे समाज के भीम सैनिकों ने भी आज दीक्षा ग्रहण की है। बड़ी संख्या में यहां आज बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण की गई है। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में बौद्ध भिक्खु प्राग्ञ रत्न, संघमित्रा और आनंद ने दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस दौरान असर्व सीट से बीजेपी विधायक परमार ने आयोजन में हुई धार्मिक चर्चा में पीड़ितों समेत बाकी लोगों का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि जुलाई 2016 की घटना के बाद से वे मोटा समाधि वाला जाना चाहते थे, ये उन्हें परेशान करता रहा। उन्होंने आगे कहा कि वो आज वहाँ बालू सरवैया के दर्शन के लिए है और वे समुदाय की सेवा के लिए है। बता दें कि 2016 में गिर सोमनाथ जिले के ऊना तालुका के गांव मोटा समाधियाला में कुछ दलितों पर कथित तौर पर गौरक्षकों द्वारा हमला किया गया था। इस घटना के बाद से देश भर में दलितों में रोष देखा जा रहा था। सियासी पार्टियां भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।